हाँ तो बच्चों अपन चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, वंशागति है, उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है उसका नाम है सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस। सहप्रभाविता क्या होती है उसके बारे में आपको बताएंगे, कोडोमिनेंस के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। एक्चुअल में कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षण एक साथ प्रकट हो जाते हैं। जैसे आप मवेशी में, आप एग्जाम्पल, आप मवेशी की त्वचा का रंग देखते हो तो आपने देखा होगा कहीं पे बकरी है, भेड़ है, उनकी देखा होगा आपने आधी त्वचा लाल रंग की, आधी त्वचा भूरे रंग की। तो आप सोचते अरे ये तो इसका माँ थी वो लाल रंग की थी शायद, और इसके पिताजी कैसे भूरे रंग के थे, तो बच्चे के अंदर दोनों गुण आ गए। तो जो त्वचा का रंग है मवेशियों का वो सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है, यानी F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में है। F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था के अंदर जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करे, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील, प्रभावी एलील यानी प्रभावी युग्मविकल्पी है और अप्रभावी युग्मविकल्पी है, दोनों अपने आप को प्रदर्शित करे, प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील्स अपने आप को प्रकट कर दे, दोनों एलील्स क्या करे अपने आप को प्रकट कर देते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं, कोडोमिनेंस। यानी आप देखोगे दोनों अपने आप को एक साथ प्रकट कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं, मेंडल ने तो कहा था सिर्फ प्रभावी प्रकट करेगा, अप्रभावी प्रकट नहीं करेगा। अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा हुआ था प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बीच का लक्षण आया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये लाल रंग का मवेशी है, इसका संक्रमण सफेद रंग के मवेशी के साथ करवाया, F1PD के अंदर ऐसे मवेशी पैदा हुए जिनकी त्वचा का रंग कैसा था, लाल और सफेद दोनों था, यानी चितकबरा मवेशी था, आधी त्वचा लाल आधी त्वचा सफेद। तो इस तरह के मवेशी को अपन कहते हैं रेयॉन, क्या कहते हैं, रेयॉन के नाम से जानते हैं। तो आपको सबसे पहले बताना है सहप्रभाविता का मतलब क्या है। सहप्रभाविता का मतलब है कि अपन कह रहे हैं F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करे, ये कैसा, कौन सी पीढ़ी है, F1PD है। F1PD के अंदर ये लाल रंग और ये सफेद रंग दोनों अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, आधा मवेशी त्वचा लाल है, आधी मवेशी की त्वचा सफेद है, यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं सहप्रभाविता। तो सबसे पहले तो आपको परिभाषा याद होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन टीचर पूछता है सहप्रभाविता किसे कहते हैं, तो अपन छोटी सी परिभाषा बताते हैं। F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट करते हैं, इसको कहते हैं सहप्रभाविता। अब आपके हम दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति, मनुष्य में रक्त समूह की वंशागति है, ये पहला एग्जाम्पल है। और दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने एक और दिया है रक्त समूह की वंशागति के साथ ही जो अपन कह रहे हैं स्टार्च कण है, क्या है, स्टार्च कण है, उनका निर्माण, स्टार्च कणों का निर्माण है, जो बीज है मटर के बीज है उसके अंदर स्टार्च कणों का निर्माण है, वो भी क्या है सहप्रभाविता को प्रदर्शित करता है। अपन सबसे पहले क्या करते हैं स्टार्च कण के बारे में पढ़ते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो मटर है उस मटर के बीज के अंदर देखते हैं कि ये जैसे अपन ने देखा एक बीज तो गोल है, क्या है, गोल है, और एक बीज कैसा है झुर्रीदार है, ठीक है। इसके अंदर बड़े आकार के स्टार्च के कण है और इसके अंदर क्या है छोटे छोटे आकार के स्टार्च के कण है, ठीक है, समझ गए बात को। अब छोटे आकार के स्टार्च के कण है, जो छोटे आकार के स्टार्च के कण है, छोटे आकार के जो स्टार्च के कण है उसका निर्माण आपको बताना है एक जीन करता है जिसका नाम होता है स्मॉल डी, और उसके कारण आकार कैसा हो जाता है झुर्रीदार, कैसा हो जाता है झुर्रीदार। और जो बड़े आकार के स्टार्च के कण है उसका निर्माण करता है कैपिटल बी जीन, इसके कारण बीज का आकार कैसा हो जाता है गोल, कैसा हो जाता है गोल हो जाता है। अब नेचुरल सी बात है अपन क्या कर रहे हैं स्टार्च के कण की बात कर रहे हैं ना कि आकार की,
अपन आकार ले लेंगे तब तो प्रभावी अप्रभावी वाला आ जाएगा मामला। यहां अपन लेंगे स्टार्स के कण का आकार। कैपिटल बी बी जीन, कैपिटल बी बी जीन क्या करते हैं, स्टार्स के बड़े आकार के कणों का निर्माण करते हैं जिसके कारण होता है बीज गोल। ऐसे पौधे का संकरण किसके साथ कराते हैं, स्मॉल बी बी यानी ऐसे बीज के साथ कराएंगे जिसके अंदर स्टार्स के कण होंगे महीन। कैसे होंगे, महीन, ठीक है। अब इससे युग्मक बनेगा कैपिटल बी, इससे युग्मक बनेगा स्मॉल बी। इन दोनों का होगा पर परागण, एफ वन पीढ़ी बनेगी। एफ वन पीढ़ी में सभी बीजों का आकार मध्यम होगा। कैसा होगा, मध्यम होगा, ना गोल होगा ना जुरीदार होगा, आकार मध्यम होगा। क्योंकि इसमें कैपिटल बी के कारण बड़े आकार के स्टार्स कण बनेंगे और स्मॉल बी के कारण छोटे आकार के जीन बनेंगे यानी ये बनेंगे। तो इसमें स्टार्स के कण बड़े आकार के भी होंगे और स्टार्स के कण कैसे आकार के होंगे, छोटे आकार के भी होंगे। कैपिटल बी जीन कैसे आकार के स्टार्स के कण बनाएगा, बड़े, और स्मॉल बी जीन कैसे बनाएगा, छोटे आकार। तो ये बीज होगा मध्यम आकृति का। कैसा होगा, मध्यम आकृति का। यहां पे कैपिटल बी जीन ने भी अपने आप को प्रकट किया है, स्मॉल बी जीन ने भी अपने आप को प्रकट किया है। यानी एफ वन पीढ़ी या विषम युग्मनजी अवस्था में जब प्रभावी और अप्रभावी दोनों एलील अपने आप को प्रकट कर रहे हैं तो आपको यह बनाना आना चाहिए। सबसे पहले बताओगे कैपिटल बी बी, फिर बनाओगे स्मॉल बी बी। ये कैपिटल बी बी का मतलब है कि गोल, कैसा है, गोल और बड़े आकार के स्टार्स के कारण, बड़े आकार के स्टार्स के कारण बीज का आकार कैसा है, गोल। और ये स्मॉल बी बी का मतलब है छोटे आकार के स्टार्स के कारण, इसका मतलब बीज का आकार है झुर्रीदार, कैसा है, झुर्रीदार। अब इसका जब आपने क्या करवाया है, इसका जब आपने संकरण करवाया पर परागण करवाया तो आपने सबसे पहले देखा युग्मक बने, युग्मक बनने के बाद पर परागण हुआ और एफ वन पीढ़ी बनी। एफ वन पीढ़ी में बीजों का आकार था मध्यम और उसमें उसमें दोनों आकार के कण थे, कैपिटल बी के कारण बड़े आकार के स्टार्स के कण और स्मॉल बी के कारण छोटे आकार के स्टार्स कण। तो कैपिटल बी का मतलब बिग, बिग का मतलब बड़े, और स्मॉल बी का मतलब छोटे, ठीक है। तो इस तरह से एफ वन पीढ़ी बनी है। एफ वन पीढ़ी में सभी बीजों का आकार आपको बताना है मध्यम है, कैसा है, मध्यम है, गोल झुर्रीदार मध्यम, कैसा, गोल झुर्रीदार मध्यम। अब अपन इसका क्या कराते हैं, स्व परागण कराते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसका अपन क्या करवाते हैं, स्व परागण, क्या करवाते हैं, स्व परागण करवाते हैं। अब अपन इसका क्रॉस करवाएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका इसी के साथ एक ओनर मान लो, एक और मादर मान लो। कैपिटल बी बी कैसा होगा, गोल। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होगा, जो मध्यम। कैपिटल बी स्मॉल बी मध्यम, स्मॉल बी झुर्रीदार। इसमें स्टार्च के कण बड़े, इसमें स्टार्च के कण बड़े और मध्यम दोनों, इसमें स्टार्च के कण बड़े और मध्यम दोनों, इसमें स्टार्च के कण महीन। तो अपन कह रहे हैं कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या आएगा। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप, मेरे प्यारे बच्चों, आपको जीनोटाइप में जीन देखने होते हैं और फिनोटाइप में आपको लक्षण देखने होते हैं। लक्षण देखते हैं, सबसे पहले है गोल, फिर है मध्यम और फिर है झुर्रीदार। ये हो गए लक्षण, क्या हो गए लक्षण। अब बताओ गोल कितने हैं, एक, मध्यम कितने हैं, दो, और झुर्रीदार एक। फिर उसके बाद जीनोटाइप है वो एक बीबी बीबी और बीबी, तो ये कहता होगा एक दो और एक, यानी एक अनुपात दो अनुपात एक। यहां से सवाल बनता है कि सह प्रभाविता का जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, एक अनुपात दो अनुपात एक। अब आपको ये क्रॉस में बिल्कुल साफ बनाऊंगा, आपको बताना है किस तरह से क्या है, फिर आपको इसका उत्तर पूछूंगा मैं, आपको इसको बिल्कुल साफ बनाते हैं अपन इसको, और फिर आपको पूछते हैं। तो आप लोग ध्यान से इस क्रॉस को बनाने की प्रैक्टिस करना कि सर कैसे बना रहे हैं, वैसा का वैसा क्रॉस आना चाहिए आपको सह प्रभाविता का। तो
तो सह प्रभाविता का मतलब है F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में, F1PD या विषम युग्मनजी अवस्था में प्रभावी एलील और अप्रभावी एलील दोनों अपने आप को प्रकट करते, प्रभावी और अप्रभावी एलील, प्रभावी और अप्रभावी एलील दोनों अपने आप को प्रकट एक साथ कर देते हैं, तो इसको कहते हैं कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। अब अपने को बनाना आना चाहिए, अपन लक्षण ले रहे हैं मटर के बीज के अंदर स्टार्च के कण, स्टार्च के कण, स्टार्च के कण का आकार, स्टार्च के कण का आकार, स्टार्च के कण का आकार। अब अपने को बताना है कैपिटल बीबी जीन बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है, कैपिटल बीबी जीन बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है, बड़े आकार के स्टार्च के कण बनाता है, यानी ये जीन बहुत कुशल है, क्या है, कुशल है, होशियार है, और क्या करता है, बड़े आकार के जीन स्टार्च बनाता है, कण बनाता है, बड़े आकार के स्टार्च कण। स्मॉल बीबी जीन अकुशल है, अकुशल का मतलब ज्यादा होशियार नहीं है, और छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है, छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है, छोटे आकार के स्टार्च के कण बनाता है। अपन कह रहे हैं कैपिटल बीबी को गुणा करेंगे स्मॉल बीबी से, ये क्या है, जनक। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए जनक है, क्या है, जनक है। इसके आगे लिख देंगे गोल बीज बड़े स्टार्च कण, ये बीज है झुर्रीदार बीज मटर का है, किसका है, झुर्रीदार बीज और छोटे स्टार्च के कण। युग्मक बनाने आने चाहिए कैपिटल बी, एक ही तरह का युग्मक स्मॉल बी। अब युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री, ये क्वेश्चन आता है, युग्मक बनते समय कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री। इसका इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका वापस क्रॉस करवाएंगे, ये लिख देते हैं इसके आगे F1PD, कौन सी पीढ़ी लिख देते हैं, F1PD या प्रथम संतान पीढ़ी, और इसके आगे लिखा तो नहीं अपन ने, युग्मक नंबर कट गए ना, ये ध्यान नहीं रखा, तो आपको बोलना चाहिए बच्चों को इसके आगे लिखो सर युग्मक। अब ये युग्मक नहीं लिखा, जनक नहीं लिखा, प्रथम संतान पीढ़ी नहीं लिखा, और ऐसे टीचर को कोई पता थोड़ी चलेगा क्या है ये, क्या लिखेंगे, ये कैसा है, मध्यम आकार का, कैसे आकार का है, मध्यम आकार का, इसमें बड़े आकार के स्टार्च के कण भी है और छोटे आकार के स्टार्च के कण भी है, यानी बड़े और छोटे दोनों स्टार्च के कण हैं, ठीक है, ये लिखा होना चाहिए। अब इसके बाद इसका इसी के साथ क्रॉस कराते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये F1PD है, या एक लाइन और नहीं लिखी पर परागण, बच्चों ऐसे भूल कैसे रहे हो आप लोग, ऐसे काम कैसे चलेगा, पर परागण लिखना है, क्या लिखना है, पर परागण। अब F1PD है, इससे बनेगी युग्मक, क्या बनेंगे, इससे भी बनेंगे युग्मक। अपन ये टेबल बना लेते हैं, इससे दो तरह के युग्मक बनते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे भी दो तरह के बनते हैं कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, बिल्कुल आप लोगों से ही बनाया। इसका अपन जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप ज्ञात करेंगे, जीनी प्रारूप में जीन देखेंगे और लक्षण प्रारूप में लक्षण देखेंगे। अब अपन कहेंगे जीनी प्रारूप कैपिटल बी बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, ये जीनी प्रारूप इसका आएगा 1:2:1। लक्षण देखेंगे बड़े आकार के स्टार्च के कण, मध्यम आकार के स्टार्च के कण और छोटे आकार के स्टार्च के कण। बड़े कितने हैं, एक, मध्यम दो और छोटे एक, तो इस तरह से इसका जीनी प्रारूप और लक्षण प्रारूप आएगा 1:2:1, ठीक है। अब अपन क्या है, मानव में समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे, तो आप लोग चैनल पे नए हो तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें,
और ये चैप्टर नंबर पांचवा चल रहा है क्लास ट्वेल्थ का, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, ये जो मैंने बनाया है इसको देख रहे देख के राजी नहीं होना है, मेरी गारंटी आप लोग बनाओगे गलत बनाओगे, फिर आपको कहोगे सर कौन सा गुणा कहाँ करना था, आपने तो कर दिया, हमसे तो गुणा ही नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोग तीन चार बार बनाओगे तो आखिर में क्या होगा, सही होगा। अब अपन सह प्रभाविता में पढ़ेंगे मानव रक्त समूह की वंशागति, इसकी मानव रक्त समूह की वंशागति, मानव रक्त समूह की वंशागति में ऐसे होता है मेरे प्यारे बच्चों, मनुष्य के अंदर आपको पता ही है कि रक्त समूह होता है ए बी ए बी और ओ, चार प्रकार का रक्त समूह होता है, ठीक है। अब इस रक्त समूह में अपन कहते हैं प्रतिजन, ए रक्त समूह में ए प्रतिजन, बी रक्त समूह में बी प्रतिजन, ए बी में ए पर बी प्रतिजन, ओ में कोई प्रतिजन नहीं है। फिर रक्त समूह में होती है प्रतिरक्षा, ए प्रतिजन है प्रतिरक्षा स्मॉल बी, बी प्रतिजन है प्रतिरक्षा स्मॉल ए, ए बी में कोई प्रतिरक्षा नहीं, इसमें दोनों प्रतिरक्षा। अब आपने कहा कि भाई रक्त समूह का निर्धारण कौन करता है, रक्त समूह का निर्धारण करते हैं जीन, क्या करते हैं जीन, या इनको कहते हैं एलील, क्या करते हैं एलील, जीन या एलील क्या करते हैं, रक्त समूह की वंशागति का निर्धारण करते हैं। एक व्यक्ति में दो जीन होते हैं, दो एलील्स होते हैं, एक एलील तीन तरह के हैं आई ए आई बी और स्मॉल आई, तीन तरह के एलील होते हैं, इन तीन में से कोई दो आते हैं, एक माता से आएगा एक पिता से आएगा। अगर आई ए एलील है तब तो उसके अंदर रक्त समूह होगा ए, क्योंकि आई ए क्या होता है, ऐसा एलील होता है जो क्या करता है, ए पॉलीसेक्राइड बनाता है, ए प्रतिजन बनाता है, ए सक्रा बनाता है। आई बी बी रक्त समूह बनाता है, बी प्रतिजन बनाता है, आई ए आई बी दोनों बनाता है ए और बी, स्मॉल आई आई ये बनाता है किसी प्रकार की कोई प्रतिजन नहीं, तो ये होगा यहां पे ओ रक्त समूह, कैसा होगा ओ रक्त समूह जीरो। इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रभावी और अप्रभावी दोनों को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा ए बी दोनों प्रभावी है, ये दोनों क्या है अप्रभावी है, लेकिन इस कंडीशन में आप देखोगे आई ए और आई ओ, इस कंडीशन में ये ए प्रभावी है और एलिमेंट्स क्या बनेगा ए, जीन होगा ए यानी रक्त समूह होगा ए, आई बी आई ओ यानी अपन आई ओ लिख दो या स्मॉल आई भी लिख सकते हैं अपन स्मॉल आई, रक्त समूह होगा बी, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखना है, तो रक्त समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे तो ये आपको टेबल याद होनी चाहिए कि भाई आई ए जीन है, इसका मतलब दोनों जीन प्रभावी है और ए प्रतिजन बढ़ा रहे हैं, आई बी जीन है इसका मतलब दोनों जीन है वो क्या है प्रभावी है और बी प्रतिजन बढ़ा रहे हैं, आई ए और आई बी दोनों जीन प्रभावी है ए भी बढ़ा रहे हैं, यानी यह सा प्रभाविता है, ए प्रतिजन भी बन रहा है बी प्रतिजन भी बन रहा है, ये जीन भी प्रकट हो रहा है ये भी प्रकट हो रहा है, या आई आई है वो क्या कर रहा है किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं बनाता, इस रक्त जो आरबीसी है उसके ऊपर एक शर्करा होती है जिसको कहते हैं प्रतिजन, आरबीसी के ऊपर एक शर्करा होती है पॉलीसेकेराइड होता है जिसको कहते हैं प्रतिजन, उसका निर्माण कौन करता है एलील करते हैं, ए और बी तो क्या करते हैं एलील्स होते हैं जो प्रतिजन बनाते हैं, आई किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं बनाता। अब आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, अब मैं आपको क्रॉस दूंगा कि भाई माता पिता का रक्त समूह ऐसा है तो संतान का रक्त समूह आपको याद करना है, रक्त समूह की खोज आपको बताना है कॉल लैंड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। ये क्या है मल्टीपल एलील्स को भी प्रदर्शित करता है, ये जो रक्त समूह की वंशागति है ये मल्टीपल एलील्स को भी प्रभावित प्रदर्शित करता है, मल्टीपल एलील्स का भी उदाहरण है ये, मल्टीपल एलील्स का मतलब है बहुविकल्पी जीन का उदाहरण है, बहुविकल्पी जीन का पूछे तो भी आपको रक्त समूह की वंशागति ही समझानी है,
इसमें एक से अधिक एलील्स क्या होते हैं, एक से अधिक एलील्स क्या करते हैं, किसी लक्षण को प्रकट करते हैं। बहुविकल्पी जीन या बहुविकल्पी वंशागति का मतलब है एक से अधिक एलील्स दो दे देते हैं, दो से अधिक एलील्स, दो से अधिक एलील किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं, किसी एक लक्षण का निर्धारण करते हैं। अब अपन कहते हैं एक पुरुष है, उसका रक्त समूह है ए, पुरुष का रक्त समूह है ए और महिला का रक्त समूह है बी, बताओ बच्चों का रक्त समूह कैसा होगा। तो अपन कहेंगे सबसे पहले अपन इनके एलील्स लिखेंगे, इसके लिखेंगे आई ए स्मॉल आई, इसका लिखेंगे आई बी स्मॉल आई, ये आपको इस तरह से बनाना चाहिए आई ए लिख दिया इधर स्मॉल आई इधर लिख दिया, आई बी लिख दिया इधर स्मॉल आई इधर लिख दिया, इसको मादा मान लिया इसको नर मान लिया, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसको क्रॉस करवाते हैं आई ए आई बी, बच्चे का रक्त समूह होगा ए बी, आई ए आई बच्चे का रक्त समूह होगा ए, आई बी आई बच्चे का रक्त समूह होगा बी, आई आई बच्चे का रक्त समूह होगा ओ, यानी बच्चे का रक्त समूह ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। तो ऐसा सवाल पूछा कि पुरुष का ये महिला का ये बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा, तो आप ऐसे क्रॉस करके गुणा कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं एक सवाल देता हूं कि पुरुष का रक्त समूह है वो बी है और स्त्री का रक्त समूह भी बी है, बच्चे का रक्त समूह कैसा होगा, तो अपन ज्ञात कर लेंगे, इसके लिखेंगे आई बी आई, इसका लिखेंगे आई बी आई, इसका क्रॉस करवा देंगे आई बी आई, आई बी आई इसका क्रॉस कराएंगे आई बी 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 रक्त समूह, इसका आई बी बी आई बी रक्त समूह, आई बी बी आई बी रक्त समूह, आई आई ओ रक्त समूह, या तो बी होगा या ओ होगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से इसको बार बार प्रैक्टिस करें, ये सह प्रभाविता है। स्टूडेंट आज अपन रक्त समूह की वंशागति का अध्ययन करेंगे। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम बर्नस्टीन है, उसने 1924-25 के अंदर रक्त समूह की वंशागति का पूरा विस्तार से बताया था। अब ये रक्त समूह की वंशागति का महत्व ये है कि अपन संतान संबंधी विवाद को इससे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई माता पिता है, उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद में ये पिता है वो अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता है और उसके फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होती है वो संतान पे डाउट होता है कि वो संतान मेरी है या नहीं है, या कोई संतान दावा करती है कि ये माता पिता मेरे हैं, उस कंडीशन के अंदर रक्त समूह से काफ़ी कुछ मदद मिलती है। तो रक्त समूह की वंशागति का ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा, संतान का कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ये भी अपन को पता चलता है। अब जो संतान है उस संतान के अंदर रक्त समूह का निर्धारण करने वाले तीन जीन होते हैं, एक का नाम होता आई ए जीन, एक का नाम होता आई बी जीन और एक का नाम होता है आई ओ जीन। आई ओ की जगह आपको कई बुक्स में आई भी मिलेगा स्मॉल आई, अब आई ए की जगह आपको अल्फा ए भी मिलेगा, अल्फा बी भी मिलेगा और यहाँ पर अल्फा ओ भी मिलेगा। तो आई लिखा हो या अल्फा लिखा हो, आई लिखा हो या अल्फा लिखा हो, तो एक ही चीज है। जो आई ए जीन है वो एक्चुअल में ए प्रतिजन बनाता है, आई बी जीन है वो बी प्रतिजन बनाता है और ये कोई प्रतिजन नहीं बनाता है। तो ये जो जीन है ये जीन होते हैं प्रभावी जीन, कैसे होते हैं प्रभावी, आई ए और आई बी दोनों प्रभावी होते हैं, ये दोनों जीन कैसे हैं प्रभावी है। जबकि आई ओ जीन कैसा होता है, अप्रभावी होता है, ये विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है कि ये विषम युग्मनजी अवस्था में अपने आप को प्रकट नहीं कर सकता है। तो आपने बताया कि जीन तीन है आई ए आई बी और आई ओ, जो आई ए जीन है वो प्रभावी है, आई बी जीन भी प्रभावी है और आई ओ जीन अप्रभावी, ये दोनों प्रभावी हो गए और ये कैसा हो गया, अप्रभावी जीन हो गया।
ये क्या बनाएगा, ए प्रतिजन बनाएगा, ये क्या बनाएगा, बी प्रतिजन बनाएगा, और ये किसी प्रकार का कोई प्रतिजन नहीं बनाएगा। अब जैसे मान लो किसी के अंदर आई ये जीन है, तो एक व्यक्ति के अंदर दो जीन होते हैं, एक संतान के अंदर दो जीन होते हैं आई ए और आई ए, ये इसको माता से प्राप्त हुआ है और ये इसको पिता से प्राप्त हुआ है। तो माता और पिता से प्राप्त हुआ है तो इसके अंदर रक्त समूह होगा ए, और अगर मान लो आई ए और आई बी प्राप्त हुआ है तो उसका रक्त समूह होगा ए बी, और आई ए और मान लो आई बी है जीन तो उसका रक्त समूह होगा बी। यानी किसी के अंदर आई ए जीन है तो उसका रक्त समूह ए, आई ए और आई बी है तो उसका रक्त समूह ए बी, और आई बी बी है तो उसका रक्त समूह बी, और इसी प्रकार आई ए आई ओ है तो भी उसका रक्त समूह ए, और आई ए और मान लो आई बी और आई ओ है तो भी उसका रक्त समूह कैसा होगा बी, और आई ओ होगा तो उसका रक्त समूह कैसा होगा ओ होगा। यानी ये सिर्फ अप्रभावी जीन है, विषम युग्मन की अवस्था में ही अपने आप को प्रकट करेगा। पहली कंडीशन, यदि आई ए आई ओ जीन है तो ए, आई ए आई ओ जीन है तो ए, आई बी आई बी आई बी आई ओ जीन है तो बी, और आई बी जीन है तो बी रक्त समूह। तो रक्त समूह का निर्धारण करने के लिए आपको देखना है कि कौन सा जीन उनके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है। अब एक अपन क्वेश्चन करते हैं, जैसे ए रक्त समूह है मान लो किसी पुरुष का, और बी रक्त समूह है मान लो किसी स्त्री का, कोई स्त्री है उसका रक्त समूह बी है, तो बताओ संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो अपन को ज्यादा पॉसिबिलिटीज लेने के लिए विषम युग्मन की अवस्था में लेंगे आई ए और आई ओ, और इसके अंदर लेंगे आई बी और आई ओ, ठीक है। ये हो गया पुरुष के अंदर रक्त समूह और ये हो गया स्त्री के अंदर रक्त समूह। अब अपन को क्या करना है, इनका क्रॉस करवाना है। नेचुरल सी बात है, इसके अंदर युग्म विकल्प ही है आई बी और आई ओ, इसके अंदर युग्म विकल्प ही है आई ए और आई ओ। ये मान लो पुरुष है और ये मान लो स्त्री है, इस संतान का रक्त समूह होगा आई ए आई बी, इसका होगा आई बी आई ओ, आई ए आई ओ, आई ओ आई ओ। तो संतान का रक्त समूह ए बी होगा, संतान का रक्त समूह बी होगा, संतान का रक्त समूह ए होगा, और संतान का रक्त समूह ओ होगा। यानी अगर कोई पुरुष है उसका रक्त समूह ए है और स्त्री का रक्त समूह बी है, तो उनकी संतान का रक्त समूह ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। जैसे ये ए बी हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया और ये ओ हो गया। तो आपको ये क्रॉस करवा के देखना है कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा। अब अपन इसी को अपन मान लो थोड़ा और वेरीफाई करना चाहें, तो अपन क्या करते हैं, मान लो संतान का पुरुष का रक्त समूह ए है और महिला का रक्त समूह क्या है बी है, ठीक है। अपन ने इसको थोड़ा और ब्रॉड नहीं करके इसने जीन दे दिए, इसके अंदर मान लो आई ए जीन है और इसके अंदर आई बी जीन है, ये जीन भी अपन को दे दिए। फिर उस कंडीशन में तो अपने सामने बहुत ही सिंपल मैटर हो जाएगा, अपन क्या करेंगे कि इसके अंदर युग्म विकल्प रख देंगे आई ए आई ए, इसके अंदर आई बी और आई बी, इसका क्रॉस करवाएंगे आई ए और आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई ए आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई ए आई बी, इसका क्रॉस करवाए आई ए आई बी। तो संतान का रक्त समूह केवल ए बी होगा, क्या होगा ए बी संतान का रक्त समूह होगा। संतान का रक्त समूह ओ नहीं हो सकता है, संतान का रक्त समूह बी नहीं हो सकता, संतान का रक्त समूह ए नहीं हो सकता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर युग्म विकल्प ही दे दे या जीन दे दे मान लो उसमें ये जीन है, उसके बाद में आपको क्रॉस करवाने कहे तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। अगर क्रॉस नहीं कर, जैसे जीन नहीं दिए, तो अपन ने मैक्सिमम वेरिएबिलिटी के लिए ये जीन मान लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार यदि मान लो ओ रक्त समूह है किसी पुरुष का और किसी स्त्री का रक्त समूह मान लो ओ है, आपसे पूछा कि संतान का रक्त समूह क्या होगा, इसमें तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसमें जीन सीधे आई ओ और आई ओ होंगे, इसमें भी जीन आई ओ और आई ओ ही होंगे, बाकी कोई जीन इसमें नहीं होंगे। तो नेचुरल सी बात अपन फिर क्रॉस करवाएंगे इसका इस तरह बनाकर,
आईओ, इसका क्रॉस होगा आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस होगा आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा आईओ आ जाएगा, इसका क्रॉस हो जाएगा आईओ आ जाएगा। इस प्रकार सभी संतान कारक समूह केवल ओ होगा, क्या होगा, केवल ओ होगा। अब जैसे मान लो स्त्री ओ है, पुरुष ओ है, तो संतान कारक समूह सिर्फ कैसा होगा, ओ। ए भी नहीं हो सकता है, बी नहीं हो सकता है, और ए भी नहीं हो सकता। अगर ये संतान दावा करती है कि मेरे माता पिता ये हैं मान लो, तो उस कंडीशन के अंदर वो गलत दावा है। सिर्फ उसकी संतान कारक समूह कैसा होगा, ओ होगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है। मैं आपको एक टेबल याद रखनी है, आईए या आईओ, तो रक्त समूह कैसा, ए। आईबी या आईओ, तो रक्त समूह कैसा, बी। आईबी तो रक्त समूह कैसा, ए बी। और अगर स्मॉल आई और स्मॉल आईओ है तो उसका रक्त समूह कैसा होगा, ओ होगा। ये आपको इनके जीन के बारे में याद रखना है। ये जीन ए और बी प्रभावी जीन है। आई ए जो जीव विकल्पी है उसकी विशेषता ये होती है, ए प्रतिजन बनाता है जिसके कारण रक्त समूह होता ए, और आई बी है वो बी प्रतिजन बनाता और उसका रक्त समूह कैसा होगा, बी होगा। ठीक है, और अगर दोनों जीन होंगे तो दोनों प्रतिजन बनेंगे और उसका रक्त समूह कैसा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब अपन एक क्रॉस और करेंगे और उसे देखेंगे कि किस प्रकार की वंशागति हो सकती है। अब मान लो जैसे बी रक्त समूह है, बी रक्त समूह पुरुष का है और स्त्री का रक्त समूह है वो ओ है, क्या है, ओ है, तो संतान का रक्त समूह कैसा होगा, जो उनसे उत्पन्न होने वाली संतान है उसका रक्त समूह कैसा होगा। अब आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा समय दूंगा कि आप इसको ज्ञात करें, तो अपन मैं थोड़ा ज्ञात करके बताता हूँ। इसमें अपन जीन लेंगे आई बी और स्मॉल आई, या अपन लेंगे आई बी और आईओ। ठीक है, अपन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। इसके अंदर तो जीन फिक्स है आईओ आईओ या स्मॉल आई आई। ठीक है, अब अपन इनको क्रॉस करवाएंगे आई बी और आईओ, इधर लेंगे आईओ और आईओ। अब जब इनको क्रॉस करवाएंगे क्या आएगा, यह आएगा आई बी आईओ, यह आएगा आई बी आईओ और आईओ, और यह आएगा आईओ आईओ आई बी आईओ, और यह आएगा आईओ आईओ। तो रक्त समूह संतान का या तो बी हो सकता है या ओ हो सकता है। कभी भी रक्त संतान का रक्त समूह ए या ए बी नहीं होगा। ठीक है, संतान का रक्त समूह या तो बी हो सकता है या वो हो सकता है। एक और अपन कंडीशन लेंगे, मान लो संतान का रक्त समूह अपने कह दिया कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह ए बी है और एक महिला है जिसका रक्त समूह ए बी है, तो संतान का रक्त समूह कैसा होगा आपको सामने ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर जीन तो आपको पता ही है फिक्स है इसके अंदर, तो कैसे जीन होंगे आई ए और आई बी। इसके अंदर जीन कैसे होंगे आई ए और आई बी, क्रॉस करवा देंगे अपन इसको आई ए और आई बी, इसको करवा देंगे आई ए और आई बी, यहां होगा आई ए आई ए, यहां होगा आई ए और आई बी, यहां होगा आई ए और आई बी, यहां होगा आई बी और आई बी। यानी संतान का रक्त समूह है वो हो सकता है या तो ए, या हो सकता है ए बी, या हो सकता है ए बी, या हो सकता है बी। तो संतान का रक्त समूह ए भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, लेकिन कभी भी संतान का रक्त समूह ओ नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। यदि पुरुष का रक्त समूह ए बी है और महिला का ए बी है तो उसके संतान का रक्त समूह ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन कभी सॉरी ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन ओ कभी भी उसमें नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है।
इस प्रकार अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं कि एक पुरुष है जिसका रक्त समूह है ए और एक महिला है जिसका रक्त समूह है ओ, तो बताइए संतान का रक्त समूह क्या होगा। तो इसमें जीन होंगे आई ए आई ए। अपन ज्यादा पॉसिबिलिटीज के लिए यहां पर आई ओ ले लेते हैं ताकि ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो, और यहां पर तो आई ओ फिक्स ही है, अपन वही बढ़ाएंगे वापस आई ए और आई ओ लिख देते हैं। यहां पर आई ओ और आई ओ इसका क्रॉस करवाएंगे क्या आएगा आई ए और आई ओ आएगा, इसका क्रॉस करवाएंगे आई ए और आई ओ आएगा, इसका करवाएंगे आई ओ आएगा, इसका आई ओ और आई ओ आएगा। इस प्रकार संतान कारक समूह ए होगा, संतान कारक समूह ए होगा, संतान कारक समूह ओ होगा, संतान कारक समूह ओ होगा। यानी संतान कारक समूह ए हो सकता है, संतान कारक समूह ओ हो सकता है, लेकिन संतान कारक समूह कभी भी ए बी या बी नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये रक्त समूह की वंशागति है। इसमें अपन मैन पूर्व निर्धारित कर सकते हैं कि संतान का रक्त समूह कैसा होगा। कभी किसी अगर मान लो ज्यादातर कंडीशन के अंदर ब्लड टेस्ट का ब्लड जो ग्रुप है उसका यूज करके भी अपन संतान का पता कर सकते हैं कि संतान माता पिता की है कि नहीं है। तो ये वंशागति का अध्ययन करके अपन इसका अनुमान कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपको अगर आपने ये वीडियो देखा है और आपको वीडियो समझ में आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर उन प्रश्नों के आंसर दीजिए कि इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो मैं आपके सामने तीन क्वेश्चन चार क्वेश्चन लिखूंगा और चारों क्वेश्चन में आप बताओगे मुझे कौन सी संतान का ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी ऐसी शादी हो जाएगी तो ब्लड ग्रुप क्या होगा संतान का। ठीक है, क्वेश्चन पहला है ए बी पुरुष और ए बी महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है ए बी पुरुष और ओ संतान, सॉरी ए बी पुरुष और ओ महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ए पुरुष और ए महिला की संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है बी पुरुष और ओ महिला कि संतान का ब्लड ग्रुप कैसा होगा। आपको ये चार क्वेश्चन आंसर करने हैं सॉल्व, अगर वीडियोस पसंद आया तो, और उसके पश्चात आप उनके आंसर्स को कमेंट बॉक्स में डालें, मैं आंसर मिलाऊंगा और आपको बताऊंगा सही है या गलत होगा। चारों क्वेश्चन आपके सामने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। डियर स्टूडेंट, आज अपन जो रक्त समूह है ब्लड ग्रुप है उसका अध्ययन करेंगे। ब्लड ग्रुप का खोजकर्ता जो वैज्ञानिक था वो पॉल लैंडस्टीनर था। पॉल लैंडस्टीनर ने बताया कि रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, रक्त समूह चार प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी और ओ। चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं। अब जो इनके रक्त समूह के वर्गीकरण का मुख्य आधार था वो था प्रतिजन। जैसा प्रतिजन होता है उसके अकॉर्डिंग ही रक्त समूह होता है। प्रतिजन है वो आरबीसी की जो प्लाज्मा कणिकाएं हैं, आरबीसी जो प्लाज्मा कणिकाएं हैं उसकी प्लाज्मा सतह पर पाए जाते हैं, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। तो प्रतिजन होते हैं उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है। सबसे पहले तो आपको पूछा जाएगा एंटीजन्स, जो प्रतिजन्स हैं, जो एंटीजन्स हैं ये एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, रक्ताणु की सतह पर, जो रक्ताणु है उसकी सतह पर उपस्थित होते हैं। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी, एंटीजन ए और एंटीजन बी, इसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दर्शाया जाता है। यदि किसी का रक्त समूह ए है
तो उसमें एंटीजन होगा ए। यदि किसी का रक्त समूह बी है तो उसमें एंटीजन होगा बी, और किसी का रक्त समूह ए बी है तो उसमें एंटीजन होगा ए बी, और ओ मतलब जीरो इसका मतलब उसमें एंटीजन नहीं होगा। हाँ, तो अपन ये रक्त समूह पढ़ रहे हैं। रक्त समूह का वर्गीकरण का जो मेन आधार है कि वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, वर्गीकरण का मुख्य आधार है एंटीजन। जैसा एंटीजन होता है वैसा ही अपन कहते हैं कि रक्त समूह का एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं, रक्ताणु की सतह पर। जो रक्ताणु है जिसको अपन आरबीसी कहते हैं उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ये जैसे आरबीसी है उसकी सतह पर अपन कहेंगे ये एंटीजन है। एंटीजन एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है एंटीजन ए और एक का नाम होता है एंटीजन बी। जैसे मैंने कहा था रक्त समूह ए है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा ए, रक्त समूह बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा बी, रक्त समूह ए बी है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा ए बी, और रक्त समूह ओ या जीरो है इसका मतलब उसमें एंटीजन नहीं होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी, ओ भी कहते हैं इसको। इस प्रकार जैसा एंटीजन होता है वैसा ही रक्त समूह होता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसी प्रकार से एंटीजन के अपोजिट होती है एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज होती हैं, ये पाई जाती है प्लाज्मा में। कहाँ पाई जाती हैं? प्लाज्मा के अंदर पाई जाती हैं। यदि रक्त समूह ए है, मान लो रक्त समूह ए है तो अपन कहेंगे उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी बी। यदि रक्त समूह बी है तो उसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी ए, और यदि रक्त समूह ए बी है तो उसमें एंटीबॉडी नहीं होगी, और ओ है तो उसमें एंटीबॉडी ए बी होगी। तो ये आपको टेबल याद रखनी है कि जैसा रक्त समूह होता है जैसा रक्त समूह। इस प्रकार अपन ये टेबल बनाते हैं। सबसे पहले अपन लिखते हैं रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स, फिर अपन लिखते हैं एंटीजन, और फिर लिखते हैं अपन एंटीबॉडी। अपन ने देखा कि यदि रक्त समूह ए है, तो उसके अंदर एंटीजन होगी ए और एंटीबॉडी होगी स्मॉल बी, ठीक है। और यदि रक्त समूह बी है, तो उसमें एंटीजन होगा बी, और एंटीजन होगा वो बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी ए होगी। यदि रक्त समूह ए बी है तो उसमें एंटीजन ए बी होगा और एंटीबॉडी उसमें एब्सेंट होगी, और यदि रक्त समूह आपके पास में ओ होगा तो उसमें एंटीजन नहीं होगी लेकिन एंटीबॉडी आपको याद रखना है ए बी होगा। ये एंटीबॉडी होती है इसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में दर्शाते हैं और एंटीजन को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में दर्शाते हैं। जैसा रक्त समूह वैसा ही एंटीजन, ये चीज आपको याद रखनी है। जैसे मैंने कहा रक्त समूह यदि ए है तो वो एंटीजन ए होगा, रक्त समूह बी है तो एंटीजन बी होगा, और एंटी रक्त समूह ए बी है तो एंटीजन ए बी होगा। ये आपको टेबल याद रखनी है। अब सवाल ये बनता है कि एंटीजन कहाँ पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है रक्ताणु की सतह पर। एंटीजन कहाँ पाया जाता है? जो रक्ताणु है उसकी सतह पर पाया जाता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन होता है, रक्ताणु की सतह पर पाया जाता है। और एंटीबॉडी कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में पाई जाती है। ये एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड या अपन कह सकते हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एंटीजन एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होना चाहिए। अब अपन कहते हैं कि जो रक्त देता है, जो व्यक्ति रक्त देता है उसको तो अपन कहते हैं दाता यानी डोनर, और जो व्यक्ति रक्त ग्रहण करता है उसको अपन कहते हैं ग्राही। क्या कहते हैं? ग्राही के नाम से जानते हैं। जो व्यक्ति रक्त देता है उसको कहते हैं दाता, और जो व्यक्ति ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्राही। इस प्रकार आपको बताना है जो देता है उसको कहते हैं दाता, और जो ग्रहण करता है उसको कहते हैं ग्राही। एक फॉर्मूला कहता है कि जो व्यक्ति दाता है उसका तो देखना आपको एंटीजन, और जो ग्राही है उसकी देखनी एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी समान नहीं होने चाहिए। जैसे एंटीजन है ए तो एंटीबॉडी कभी भी ए नहीं होनी चाहिए। यदि ये होगी तो रक्त का समूहन हो जाएगा। रक्त का क्या हो जाएगा? समूहन, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी।
अगर मान लो जैसे एंटीजन ए है और एंटीबॉडी ए है तो उस व्यक्ति को कभी भी रक्त नहीं देना चाहिए, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी कभी समान नहीं होना चाहिए। अब अपन मान लो देखते हैं कि ए व्यक्ति है, वो क्या ए को ब्लड दे सकता है? तो आप इसका आंसर कैसे निकालोगे? जो ए व्यक्ति है उसका अपन देखेंगे कि उसके अंदर एंटीजन कौन सा है, एंटीजन ए है, और ए के अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, ए के अंदर एंटीबॉडी है बी। तो ए और बी समान नहीं है, इसका मतलब ये रक्त इसको दे सकता है। क्या ए वाला बी को रक्त दे सकता है? ए है दाता, दाता के अंदर एंटीजन है ए, और ग्राही बी है उसमें एंटीबॉडी है आपके ए, तो ए और ए समान हो गई, तो ए वाला बी को रक्त कभी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि रक्त का समूहन हो जाएगा, रक्त का ए ग्लूटिनेशन हो जाएगा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्या ए वाला ओ को रक्त दे सकता है? दाता कौन है ए, तो एंटीजन देखेंगे इसकी, एंटीजन क्या होगी ए, ओ है तो ओ की एंटीबॉडी देखेंगे, ओ की एंटीबॉडी होती है आप जानते हो ए बी, ठीक है, ए से ए कट जाएगा और ए वाला ओ को रक्त नहीं दे पाएगा। क्या ए वाला ए बी को रक्त दे सकता है? तो एंटीजन इसके अंदर देखेंगे ए, इसके अंदर एंटीबॉडी देखेंगे, इसमें एंटीबॉडीज है नहीं, तो अपन कहेंगे ये इसको दे सकता है। तो ए रक्त समूह वाला व्यक्ति सिर्फ किसको दे सकता है? ए और ए बी को, ठीक है। ए वाला किसको नहीं दे सकता है? बी को नहीं दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता, इन दो को ये रक्त नहीं दे सकता है और इनको ये रक्त दे सकता है। इस प्रकार आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जो व्यक्ति देता है उसको कहते हैं दाता। अब सवाल आता है कि सर्वात्रिक दाता कौन है? सर्वात्रिक दाता आपको बताना है कि जो सबको रक्त दे सकता है वो है ओ। क्यों है? क्योंकि इसके पास में एंटीजन नहीं है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है। ओ वाला किसी को रक्त देगा तो एंटीजन जाएंगे नहीं, जब एंटीजन जाएंगे नहीं तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी नहीं, और एंटीबॉडीज बनेगी नहीं तो वो हर किसी को क्या कर सकता है, रक्त दे सकता है। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वाधिक दाता कौन है, तो आप बताओगे ओ रक्त समूह सर्वाधिक दाता है। क्यों है? क्योंकि वो हर किसी को रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? उसमें एंटीजन नहीं है। फिर उसके बाद ए बी है, वो सर्वात्रिक ग्राही है। क्या है? सर्वात्रिक ग्राही। अब ए बी सर्वात्रिक ग्राही क्यों है? क्योंकि आपको इसका सीधा आंसर बताना है कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई एंटीबॉडीज नहीं है। जब एंटीबॉडीज नहीं है तो इसको हर कोई दे देता है रक्त, ए भी दे देता है, बी भी दे देता है, ए भी दे देता है और ओ भी दे देता है, यानी इसको हर कोई दे सकता है, क्योंकि इसके पास सुरक्षा नहीं है, एंटीबॉडीज नहीं है, तो ये इसको हर कोई आके रक्त दे देता है। तो ये दो सवाल इम्पोर्टेंट बनते हैं कि जो रक्त देता है उसका क्या देखना है, उसका आपको एंटीजन देखना है। जैसे ये सर्वाधिक दाता है उसका नाम ओ क्यों है? क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं है, वो हर किसी को रक्त दे सकता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी नहीं। जबकि ए बी सर्वाधिक ग्राही क्यों है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज एब्सेंट है। क्या है? एंटीबॉडीज एब्सेंट है, इसलिए हर कोई ब्लड उसको दे सकता है। अब एक सीधा सवाल पूछ लिया आप लोगों से कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, तो आपको बताना है कि एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कौन किसको रक्त दे सकता है, आपको एक सीधा से याद रखना है, दाता का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी, दाता का एंटीजन और जो ग्राही है उसकी एंटीबॉडी कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। एक ही चीज याद रखनी है आपको, जैसे ए रक्त समूह है, बी रक्त समूह है, ए बी रक्त समूह है, ओ रक्त समूह, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, ए बी और नहीं, इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी, स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल ए, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर ए बी, ठीक है। ये हो गया रक्त समूह, ये हो गया एंटीजन और ये हो गया एंटीबॉडी, ठीक है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप सीधा आंसर याद कर सकते हो। सीधा पूछ लिया क्या बी वाला बी को रक्त दे सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप देखोगे बी के अंदर दाता कौन है, बी, और ग्राही कौन है, बी। दाता का क्या देखना है, एंटीजन, इसके अंदर एंटीजन कौन सा है, बी, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है, ए। बी और ए समान नहीं, इसलिए इसको रक्त दे सकता है।
अब सवाल आ गया, क्या बी वाला ए बी को रक्त दे सकता है? तो आपसे सीधा सवाल पूछ लिया, दाता कौन है? बी है, तो बी के अंदर एंटीजन बी है, और इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है, तो ये इसको रक्त दे सकता है। क्या बी वाला ओ को रक्त दे सकता है? तो बी के अंदर एंटीजन क्या है? बी, और इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है? ए बी, तो बी से बी का पुच्छन हो जाएगा, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाएंगे और रक्त का समूहन हो जाएगा, और रक्त का समूहन होते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो व्यक्ति रक्त देता है उसको कहते हैं दाता, उसका एक चीज याद रखनी एंटीजन, और जो रक्त व्यक्ति ग्रहण करता है उसका ध्यान रखना है एंटीबॉडी, ये कभी भी सेम नहीं होने चाहिए। ग्राही का देखोगे एंटीबॉडी। अब सवाल आया कि ओ वाला क्या ए को रक्त दे सकता है? तो ओ के अंदर आपको पता है एंटीजन कौन सा होता है, इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं हो सकता है। इसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी है? बी है, तो ये इसको रक्त दे सकता है। क्या ओ वाला बी को रक्त दे सकता है? इसके अंदर एंटीजन नहीं है, तो ये इसके अंदर जैसे ए है तो ये रक्त दे सकता है। क्या ओ वाला ए बी को रक्त दे सकता है? तो इसके अंदर एंटीजन नहीं है, इसके अंदर एंटीबॉडी है आपके सामने नहीं है, ये इसको दे सकता है। क्या ओ वाला ओ को दे सकता है? इसके अंदर एंटीजन है एब्सेंट, और एंटीबॉडी इसके अंदर ए बी है। इस प्रकार अपन कहेंगे कि इसको रक्त दे सकता है, तो ओ वाला सबको रक्त दे सकता है। क्यों दे सकता है? उसमें एंटीजन एब्सेंट है। क्या है? एंटीजन एब्सेंट है। इसी प्रकार एक सवाल पूछा जाता है कि भाई अपन कौन सा व्यक्ति है जो रक्त सबसे रक्त ग्रहण कर सकता है। इस प्रकार आपको ये फॉर्मूला बेस क्वेश्चन हो गया कि जो रक्त देता है उसका तो क्या ध्यान रखना है? एंटीजन, और जो रक्त ग्रहण करता है उसका क्या ध्यान रखना है? एंटीबॉडी। अब मान लो पूछा क्या ए बी है वो ए को रक्त दे सकता है? ए बी के अंदर एंटीजन क्या है? ए बी, और इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल बी, तो बी से बी कट जाएगा और ये इसको रक्त नहीं दे सकता। क्या ए बी वाला है वो बी को रक्त दे सकता है? इसके अंदर एंटीजन ए बी और एंटीबॉडी क्या है? ए, तो ए से ये कट जाएगा और रक्त का समूहन होगा और ये इसको रक्त नहीं दे सकता। क्या ए बी वाला ए बी को रक्त दे सकता है? तो इसके अंदर एंटीजन है ए बी और एंटीबॉडी इसके अंदर एब्सेंट है, तो इसको दे सकता है। क्या ए बी वाला ओ को रक्त दे सकता है? तो आपको बताना ए बी के अंदर एंटीजन ए बी है और इसके अंदर एंटीबॉडी ए बी है, तो ये इसको रक्त नहीं दे सकता है। तो ए बी वाला केवल किसको रक्त दे सकता है? ए बी को रक्त दे सकता है, बाकी किसी को रक्त नहीं दे सकता है। तो सवाल आएगा ए बी वाला किसको रक्त दे सकता है? केवल ए बी को। किसको दे सकता है? केवल ए बी को दे सकता है। ठीक है, तो अपन समझ गए कि रक्त समूह की वंश रक्त समूह किस प्रकार से निर्धारित किया गया। तो एक साइंटिस्ट था पॉल लैंडिस ने, उसने रक्त समूह की खोज की थी। उसने चार प्रकार के रक्त बताए थे। उसने बताया कि भाई कोई व्यक्ति को रक्त चढ़ाओ तो ये ध्यान रखो कि कौन सा रक्त समूह है उसका और कौन सा रक्त समूह है आपका, ये कभी भी समान नहीं होना चाहिए। जैसे आपको ध्यान रखना है कि रक्त समूह मान लो ए वाला है, उसको आप किसका रक्त चढ़ाओगे तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडीज मिला के अच्छी तरह देख के फिर रक्त समूह का निर्धारण करना है। थैंक यू बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।